नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीएसपी में एंट्री करने वाले। ये संकेत उन्होंने उस वक्त दिए जब बहुजन समाज पार्टी यहां पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने राजनीतिक वर्चस्व को खोते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बार फिर से बीएसपी की यहाँ पर टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी चर्चाएं तेज हैं और जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती की तारीफों के कशीदे पढ़ते हुए नजर आए, बाबा साहब अंबेडकर की यहाँ पर तमाम मूल्यों की बात करते नजर आए और इसी के साथ साथ अपनी राजनीतिक विचारधारा को देखते हुए अपने आप को अवसरवादी बताते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार बीएसपी के ट्रैक पर चलकर यहाँ पर अपनी राजनीति को चमकाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में एंट्री करने वाले हैं, क्या यहां से चुनावी लोकसभा टिकट मिल पाएगी और यदि टिकट भी मिल जाती है तो विवादित बयान देने वाले मौर्य को यहां पर क्या लोग अपना जन समर्थन देंगे? देखिए, अगर शुरुआत यहाँ पर टिकट मिलने से करें तो आधिकारिक तौर पर अब ये संभव नहीं है क्योंकि जो चर्चाएं यहाँ पर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में शामिल होने की उसे लेकर बातें ये आई हैं कि लगभग 2 से 3 मुलाकातें उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती से हो चुकी है और अब अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि मायावती के साथ जो गठबंधन या कहीं की अपनी पार्टी का विलय बसपा में जो स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे वो 7वें आखिरी चरण के मतदान से पहले करेंगे और अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो 6ठे चरण के मतदान तक की जो नामांकन प्रक्रिया है यानी जो 6ठा चरण है उसके लिए नामांकन का जो आखिरी दिन है वो आज ही है, यानी ये कहें कि तो खत्म हो चुका है, अब बचा है 7वां चरण। अब आप ये देखिए कि 7वें चरण के लिए जो नामांकन की आखिरी दिन है नामांकन भरने का वो 14 मई है, यानी कुल मिलाकर के अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी लोकसभा सीट से टिकट मायावती का चाहिए, बसपा का टिकट चाहिए, तो उन्हें 7वें चरण में जिन शेष 13 सीटों पर मतदान होना है वहां से टिकट लेना होगा और वो भी 14 तारीख से पहले टिकट लेकर 14 तक अपना नामांकन भरना होगा, जो किसी भी हाल में भी संभव नजर नहीं आ रहा है। तो टिकट तो मिलने की बात यहां नजर नहीं आती। वहीं अगर राजनीतिक भविष्य की बात की जाए तो वो यहां पर पूरी तरीके से मुमकिन दिख रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक सफर तो यहाँ पर काफी लंबा रहा है, करीब 2.5 दशक उन्होंने मायावती के साथ ही अपनी राजनीति की है। उसके बाद बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से हटकर सपा, फिर सपा से अपनी अलग पार्टी बनाए और फिर उस पूरी पार्टी का वापस मायावती के साथ या कहें बसपा में विलय करते नजर आ रहा है। ऐसे में जो राजनीति है स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित वंचित समाज पार्टी से बेहतर लगता है कि बसपा में कर पाएंगे, जो अगर वो आते हैं तो शायद कर भी जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर यदि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में एंट्री करते हैं तो यहां से उनके बड़ा दलित वोट बैंक यहां से सपोर्ट कर सकता है और जिसकी तलाश लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देते वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की धार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सत्र से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सत्र से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है
इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरु संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं, क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं, पद गौड़ है, पद और आता जाता। तो सुना आपने, यहां स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम यहां पर बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। बीजेपी ने जिस तरीके से यहां संगमित्रा मौर्य की टिकट काटी है अक्षय, कितना बड़ा ये टर्निंग पॉइंट देखते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहां पर बदायूं लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज की थी 2019 में। वाकई में देखिए, बड़ा यहाँ पर फैसला तो बीजेपी आलाकमान ने लिया है, लेकिन अगर आप देखिए तो कोई चौंका देने वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि बीजेपी ने जो टिकट काटी है संगमित्रा मौर्य की, वो उन्होंने उनके पिता की बयानों के चलते काटी है। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा ही बीजेपी को करना होता तो पार्टी कहीं ना कहीं संगमित्रा को यहाँ से निष्कासित कर सकती थी। बीजेपी आलाकमान संगमित्रा को सांसद रहते वक्त ही एक साल डेढ़ साल पहले निष्कासित कर सकती थी, या उन्हें ही ये बात कह सकती थी आप खुद इस्तीफा सौंप दीजिए, यहाँ पर ये चीज हम नहीं दिखाना चाहते कि हमने आपको निकाला है। बल्कि यहां पर आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों की इन चुनावों में टिकट काटे हैं। दिल्ली पर आपने यहां पर देखा किस तरीके से दक्षिण दिल्ली से सांसद रहे रमेश भिदुड़ी का टिकट काटा है, साहेब परवेश सिंह वर्मा का टिकट काटा है और कई बड़े बड़े चेहरों का अन्य और राज्यों से टिकट काटा है। उसका प्रमुख कारण यहां पर माना जा रहा है कि बीजेपी जब भी टिकट काटती है वो एंटी इनकंबेंसी के आधार पर काटती है, अपने संगठन से सर्वे कराती है, संगठन के आधार पर जो जमीनी माहौल है उसे जानने की कोशिश करती है कि मौजूदा सांसद को कितना समर्थन मिलता नजर आ रहा है, और कुछ भी अगर उसमें डामाडोल की स्थिति लगती है तो टिकट काटते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करती। बदायूं से टिकट काटा है। अब अगर आप देखेंगे बदायूं में तो सामने यहां पर आदित्य यादव है, शिवपाल यादव के बेटे हैं, चुनावी मैदान में दूसरी मरतबा शायद मैं अगर गलत ना हूं तो उतरे हैं मैदान में यहां पर। ऐसे में और भी ज्यादा कड़ी टक्कर मिलने वाली है और बदायूं में कहीं ना कहीं इनकंबेंसी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य के खिलाफ भी है, वो भी कहीं ना कहीं कारण बना टिकट काटने का। अब यहां पर बात ही कही जा रही है कि वो यहां पर शामिल हो सकती है पिता के साथ बसपा में, तो शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन कारण यहां पर यही नजर आता है। बिल्कुल यही कारण नजर आता है कि बीएसपी में यदि शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं टिकट की चाहत को लेकर आगे बढ़ने वाली हैं, और संगमित्रा मौर्य को यदि टिकट मिलता है तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ा यहां से कदम होगा। और जिस तरीके से पिछले लगभग दो दशक ढाई दशक उन्होंने बीएसपी के साथ मिलकर के राजनीति की है, एक बार फिर से उनकी घर वापसी होती हुई नजर आएगी। ऐसे में अक्षय, बदायूं से लोकसभा का टिकट कट जाना, वहां से आदित्य यादव चुनावी मैदान में है, संगमित्रा मौर्य की तमाम वहां पर कोशिशें जो है वो खत्म हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि नामांकन हो चुका है और अब चुनावी मतदान होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव के रवैये को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर शब्दों की
मर्यादा रखने की बात कही थी। बिल्कुल, बाकी में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में उस वक्त ज्यादा बने जब पहले तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मंत्री मंडल में रहते हुए मंत्री पद कैबिनेट मंत्री रहते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था बीजेपी आला कमान को, सपा का दामन थाम लिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर उन्होंने अपने विवादित बयान दिए उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बन रहे। इस बीच तमाम तरीके से अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। डिंपल यादव भी कहती नजर आई थी कि वे उनके निजी बयान है, पार्टी का लेना देना नहीं, और बातें सामने ये तक आई थी अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में तो शब्दों में ने हिदायत दी इस प्रकार के बयान ना देने के, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी हाल में नहीं माने और फिर जाकर के उन्होंने अपनी पार्टी ही छोड़ दी। बिल्कुल, पार्टी छोड़ दी, अखिलेश यादव को झटका दे दिया। वही अखिलेश यादव जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी से उन्होंने झटका लिया था उसके बाद अपनी पार्टी में शरण दी थी और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने चिरपरिचित अंदाज के चलते सुर्खियों में भी रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम जो है राजनीतिक तैयारियां कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम करके वो लोकसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं और ऐसे में यदि ये संभव हो पाता है तो स्वामी प्रसाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक सक्रिय दल उनको अपनी शरण में लेने जा रहा है और ऐसे में यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में कहीं से भी उतारने में कामयाब होते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सियासी संग्राम जो है थमा नहीं है, 13 सीटों पर अभी नामांकन की तारीख 14 यहाँ मई तक निर्धारित की गई है और ऐसे में यदि ये संकल्प लिया जाता है कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर संघमित्रा मौर्य की तरफ से कि हमें चुनाव लड़ना है तो ऐसे में बड़ा कदम उठा सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब उनका टिकट कटा था तो संघमित्रा मौर्य भरे मंच पर भी भावुक होती हुई नजर आई थी। अब देखने ये होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य और बहन कुमारी मायावती का क्या कदम रहता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।